भुसावल जंक्शन पे साइड फिलिंग। तो गाइज आप देख सकते हैं पानी भी नहीं आ रहा, पूरी हालत ख़राब है। अभी मैं आया था मुझे मिलने, देख सकते हैं क्या बोले। तो गाइज अभी चाय लिया था और देखो इसका एक स्कैम बता रहा हूँ मैं आपको। तो 170 ml में से चाय कितनी दिया गया है देखो। चाय 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 चाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैफू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग काफी स्पेशल और काफी अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था, मैंने शादी की शॉपिंग की थी। तो गाइस आज का वीडियो उससे ही रिलेटेड है। आज हम एक ऐसी जर्नी एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिसमें मैं गया तो बहुत बार हूं लेकिन आज तक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पे नया आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ अभी फ्रेश हो जाता हूँ मैं जरा, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज अभी मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ, तो चलते हैं और निकलते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स। सो गाइज आज हमारी जर्नी होने वाली है गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि मुंबई टर्मिनल से निकलेगी 5:23 को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11:45 आपको गोरखपुर जंक्शन पहुँचा देगी। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं S5 कोच में और हमारा ट्रेन नंबर है 20103 गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो डाक फाइंडिस 40 दोनों एक दे दो, डाक फाइंडिस पानी का बॉटल लियो, एक रेल नीर दो ना भाई, ठंडा नहीं है। कितने का है ये? 15। तो गाइस चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस एकदम परफेक्ट टाइम पे ट्रेन छूट गई है 5:23 को और ये हमारे अमित भाई निकल गए, बस ले लो। हाँ भाई 44, 45, 46 अपर लोअर सब अपना ही है यहाँ पे, ये अपनी बोगी है पूरी और सॉकेट दिया गया और यहाँ पे हैंगर दिया हुआ। तो गाइस अभी आ चुके हैं वॉशरूम में और वॉशरूम में आप देख सकते हैं एक मिरर दिया हुआ है, वो भी एकदम क्लीन, ये पानी का दिया हुआ है और ट्रेन अभी कल्याण क्रॉस हो चुकी है। यही है इंटीरियर और ये देखो इंग्लिश वॉशरूम है। तो गाइज आप देख सकते हैं पानी भी नहीं आ रहा, पूरी हालत ख़राब है। अभी मैं आया था मुझे मिलने, देख सकते हैं क्या बोलेंगे अभी। ठंडा निकालो ना अंदर से, ठंडा वाला निकालो ना। निकाल बार होगा
गाइस अभी चाय लिया था और देखो इसका एक स्कैम बता रहा हूँ मैं आपको। तो 170 ml में से चाय कितनी दिया गया है देखो। घर की तरह तो नहीं है लेकिन बेटर है चाय। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन के पास और हमारी ट्रेन ने अभी तक कवर किया है 423 किलोमीटर और ट्रेन थोड़ी सी डिले है। ट्रेन का सबसे बड़ा सेकेंड स्टॉप है अभी भुसावल जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन। भुसावल जंक्शन पे साइड फिलिंग इसके लिए तो इसमें दोपहर का खाना हम घर से ही ले आए थे। खाने में दो पूरी, आलू की सब्जी, दो कबाब। चाय चाय 730 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन। हाँ वो बात अलग है कि ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई और आधा घंटा लेट हो गई, तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है हमारी जर्नी में। तो गाइस 1114 किलोमीटर पूरा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं झांसी की रानी। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या चल रहा है और ठंडी देखो ठंडी। तो गाइस 10:30 बजे यहाँ ट्रेन आके रुकी है, 10 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है। गाइस टाइम देख सकते हैं 11 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। तो गुड नाइट और मिलते हैं सुबह। गाड़ी छूट चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस्ती में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो फाइनली गाइज अभी हम बस्ती स्टेशन उतर चुके हैं। तो तकरीबन 1616 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम फाइनली आ चुके हैं बस्ती स्टेशन के पास। जैसा आप देख सकते हैं और हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं अभी घर पे। फिलहाल ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।